हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बादाम यानी कि आलमंड्स के बारे में। शोध में ये बात सामने आई है कि बादाम में मौजूद जो तत्व हैं वो भोजन के बाद बढ़ने वाली जो ग्लूकोज होती है उसको कम करने में मदद करती है, यानी ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक वरदान है। इसके साथ ही आप लोगों को ये पता होगा कि बादाम खाने से याददाश्त अच्छी होती है। बादाम का सेवन अल्जाइमर और दूसरे अन्य दिमाग के रोगों को दूर करने में मदद करता है। अगर आप हर दिन सुबह कुछ बादाम खाएं तो ये आपकी सेहत को दुरुस्त कर सकता है। लेकिन बादाम खाने का सही तरीका क्या है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बादाम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। बादाम में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ ही बादाम में पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, साथ ही इसमें सोडियम भी काफ़ी कम मात्रा में रहता है। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। रक्त संचार सही होने से शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन सही तरीके से पहुँचता है। इसके साथ ही बादाम आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखने का भी काम करता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर हफ्ते में 5 से लेकर 10 बादाम का सेवन किया जाए तो आम लोगों की तुलना में जो लोग बादाम का सेवन करते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो जाता है। बादाम में मौजूद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये दिल की बीमारियों को दूर रखने के लिए उसे बेहतर तरीके से मदद करता है। तो इतनी सारी खूबियां तो हैं बादाम में, यही सोचकर लोग इन्हें अपने डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन बादाम अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो ये पेट में गैस भी बनाता है। जी हाँ, मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है, वहीं आपके शरीर को रोज़ाना सिर्फ 25 से 40% फाइबर की ज़रूरत होती है। यानी आपके लिए रोज़ाना 3 से 4 बादाम काफ़ी हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा बादाम खाते हैं तो आपको लूज मोशंस और कब्ज की शिकायत हो सकती है। बादाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज और फैट होता है। 3 से 4 बादाम में 170 कैलोरीज और 14 ग्राम फैट होता है। अगर आप रोज़ाना मुट्ठी भर बादाम खाते हैं तो आप लगभग 500 से ज़्यादा कैलोरीज और 40 से 50 ग्राम फैट का सेवन कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप ज़्यादा बादाम खाते हैं तो ये आपके वज़न बढ़ा सकता है। इधर विटामिन ई बालों से लेकर त्वचा तक सभी के लिए फायदेमंद होता है और शरीर के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट को सुरक्षित रखने का काम करता है। 3 से 4 बादाम में आपको 7.4 mg विटामिन ई मिल जाता है। इसके अलावा आप दिन भर में अंडा, पालक और अनाज, इन सब से भी विटामिन ई को लेते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा बादाम खाते हैं तो ये विटामिन ई का ओवरडोज भी कर सकता है। चलिए, अब तक तो आपने जान लिया कि बादाम खाने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बादाम जहरीला होता है और इसमें साइनाइड होता है? जी हाँ, ये सच्चाई है। अगर आप बाजार से कोई बादाम लेकर आते हैं और आपको खाने में ये कड़वा लगे तो आप मान के रखिए कि ये बादाम खतरनाक है। इनके कड़वाहट इनके जहरीले होने की निशानी है। इनकी कड़वाहट साइनाइड के कारण होती है। इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साइनाइड सबसे घातक जहरों में से एक है। दरअसल बादाम का जो ऊपरी लेयर होता है इसमें ये साइनाइड होता है। इसलिए कहा जाता है कि बादाम आप सुबह जब खाएं तो रात भर इसे भिगोकर रखने के बाद जब ये अपने साइज में इंक्रीज हो जाए उसके बाद ही इसे खाएं और इसके ऊपर की जो परत है उसे बिल्कुल हटा दें। जी हाँ, बादाम को छील कर ही खाना चाहिए। भिगोने के बाद बादाम को छील कर खाएं, और वो भी बादाम खाने का जो सही समय है वो सुबह है। लेकिन सुबह में आप खाली पेट बादाम नहीं खाएं। दरअसल मीठे बादामों का सेवन ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्म और मीठा बादाम शरीर के जो वात दोष होते हैं उनको शांत करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि बादाम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। बादाम स्वाद में मीठा होना चाहिए। ऑर्गेनिक बादाम अगर मिले तो और भी बेहतर है, क्योंकि बादाम के छिलके का पाचन मुश्किल होता है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भी बादाम को भिगोकर छिलका निकालकर ही खाना चाहिए। इससे बादाम आसानी से पच जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो 3 ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, आपकी बेहतरी के लिए एक बार फिर से इन्हें दोहरा देता हूँ।
बादाम का टेस्ट अगर आपको कड़वा लगे तो इसे बिल्कुल नहीं खाएं। बादाम में साइनाइड भी होता है जो कि जानलेवा है और ये जहर होता है। बादाम कभी भी यूं ही खोलकर पैकेट से चबाना शुरू नहीं कर दें। बादाम को हमेशा रात में भिगोएं और सुबह खाएं, और सुबह जब आप खाएं तो खाली पेट बिल्कुल नहीं खाएं। इसके साथ में कुछ अनाज लें और उस अनाज के साथ ही बादाम खाएं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बादाम का सेवन कैसे करना है और इसके खतरे से कैसे बच के रहना है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।